Hello everyone, good morning to all. Today we are going to discuss chapter 1 of class 7th, that is integer. First of all, आप सभी को पता होना चाहिए कि integers क्या होते हैं. Integers आप सभी ने 6th class में उससे पहले भी ये पढ़ा होगा. Natural numbers, we will start from natural numbers. वॉट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वो नंबर है जो आपके वन से स्टार्ट होते हैं. जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं. सेकेंड, होल नंबर्स. होल नंबर्स, होल नंबर्स कौन से? अगर नेचुरल नंबर्स में आप जीरो भी इंक्लूड कर देते हो तो वो आपके होल नंबर्स बन जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, अब हमने वन से स्टार्ट होने वाले नंबर्स की बात कर ली, जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स की बात कर ली. अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की. इंटीजर्स नंबर्स विच आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दीज नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. वन, टू, थ्री, दीज आर इंटीजर्स नंबर विच आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. दीज आर इंटीजर्स, जो नंबर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो उनको आप इंटीजर्स बोलते हो. अब इंटीजर्स में जीरो, ये भी इंटीजर है लेकिन जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, कोई भी आप इसको ले सकते हो. जीरो ये हमने एक साइड में रखा. नंबर्स जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में लाए करते हैं, नंबर्स जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में लाए करते हैं उन नंबर्स को आप क्या बोलते हो? नेगेटिव इंटीजर्स. और जो जीरो के राइट हैंड साइड में नंबर लाए करते हैं उनको आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हम इन नंबर्स को देखते हैं नंबर लाइन के ऊपर. मान लो आपने नंबर लाइन, ये नंबर लाइन आपने सिक्स क्लास में भी ड्रॉ की होगी, होल नंबर्स के लिए आपने की होगी ये. अब हम स्टार्ट करते हैं ये. लेट दिस वन इज जीरो. जीरो के राइट हैंड साइड में कौन से इंटीजर रहेंगे? जो नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर है वो जीरो के राइट हैंड साइड में रहेंगे. वन, टू, थ्री, फोर, ये आपके इक्वल स्पेस में होते हैं. ठीक है, ये नहीं अपनी मर्जी से आपने कहीं भी कर दिया, ये स्पेस इक्वल होना चाहिए. जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हो ये आपके पास हुआ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री. अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. दिस इज नंबर लाइन, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स है. अब इसमें देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. अब अगर आप कंपेयर करते हो टू एंड थ्री को, विच वन इज ग्रेटर नंबर? ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें? थ्री. टू आपका स्मॉलर नंबर है. सेम अगर आप ऐसे ही कंपेयर करते हैं नंबर्स को तो मैं आपको बोलती हूँ एक आपके पास हंड्रेड है और दूसरा आपके पास वन फिफ्टी है. तो नंबर लाइन में ये दोनों कैसे लाए करेंगे? वन फिफ्टी हंड्रेड के राइट हैंड साइड में लाई करेगा. मींस जो ग्रेटर नंबर होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में होता है जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो. ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आई तो हम इधर की साइड देखते हैं नेगेटिव इंटीजर में. अभी मैंने क्या बताया कि राइट हैंड साइड में जैसे टू और थ्री है, इसमें राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है? थ्री. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो थ्री आपका राइट हैंड साइड में है. जो नंबर राइट हैंड साइड में होता है वो ग्रेटर नंबर होता है. अब इसमें देखिए माइनस टू, माइनस वन, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर नंबर होगा? जो राइट हैंड साइड में होगा. और राइट हैंड साइड आपकी कौन सी है? माइनस वन. तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? माइनस वन. ऐसे अगर आपको बोला जाए कि यहां पे इधर की साइड आपका कहीं माइनस हंड्रेड आएगा,
-100 और -1, विच नंबर इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा जो राइट हैंड साइड में लाई करेगा। तो -100 आपका इधर की साइड कहीं आएगा, -1 इधर है, तो राइट में कौन सा है -1, ग्रेटर नंबर कौन सा है -1। तो इसी तरह आप इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो -1 है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स का सबसे जो बड़ा नंबर है वो -1 है। उसके बाद जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करोगे तो इधर की साइड जो भी नंबर आएंगे वो सारे स्मॉलर नंबर होंगे। यहां से अब आप डायरेक्ट याद क्या रखोगे, आप याद रखोगे कि जो नंबर आपको देखने में, जैसे मैंने एक लिखा -105, एक मैंने लिखा -50, तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर नंबर होगा, -50। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो -105 यहां कहीं आएगा और -50 यहां आएगा, बीच में आप इसको 51, 52 ऐसे करके 105 तक आओगे। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है जो राइट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है, तो ये वाला क्या है, ये ग्रेटर नंबर है। जो ग्रेटर नंबर है वो राइट हैंड साइड में है। अब इस इन दोनों में से देखने में जो नंबर, अब मैंने क्या बोला है, देखने में जो नंबर आपको छोटा लगता है वो नंबर बड़ा रहेगा। जैसे इन दोनों को देखिए, 105, 50। अब इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर ग्रेटर होता है, नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर आपको देखने में ग्रेटर लग रहा है वो नंबर स्मॉलर होता है, और जो नंबर आपको देखने में छोटा लग रहा है वो ग्रेटर रहेगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब इन दोनों में से ये आपने देख ही लिया, -50 ग्रेटर है। यहां से आपको क्या पता चला कि देखने में जो नंबर आपको छोटा लगता है वो बड़ा रहेगा नेगेटिव इंटीजर्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। ये सभी को आता है, 3+4 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आप सभी को आता है, ध्यान से देखिएगा। -3+, ये आपके पास इंटीजर हो गया, माइनस इंटीजर है, दूसरा आपके पास माइनस इंटीजर इक्वल टू, ये आपको दोनों माइनस इंटीजर्स आपको ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, ये देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, यहां कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई है मीन्स प्लस माइनस माइनस, -3 एज इट इज, ये -4। इसको अभी आप प्लस माइनस माइनस ना करके आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ऐसे देखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, क्या बोला मैंने, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो जो अंदर आपके पास नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये आपने फिफ्थ क्लास में या सिक्स क्लास में किया होगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो अंदर जो भी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है। ऐसे ही आप इसमें करोगे, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन है तो ये एज इट इज रहेगा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर ये माइनस होता तो इसका साइन प्लस हो जाता। मीन्स अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तभी आपको इसके साइन चेंज करने हैं, अदरवाइज नहीं करने हैं। जब आप प्लस अगर ये देखते हो, ये वाला साइन भूल जाइए फिर, ठीक है, ये वाला साइन आपको इंक्लूड नहीं करना है। अगर प्लस साइन है तो ये वाला साइन एज इट इज यहां आ जाएगा इक्वल टू। अब देखिए, अगर आपके पास दोनों माइनस साइन हो, इसमें आपको आपके पास क्या साइन है, दोनों यहां कोई साइन नहीं है मीन्स ये प्लस है, ये दोनों प्लस है, ये आपके पास क्या है 7, ये भी क्या है प्लस। अगर आपके पास सेम ऐसे मिलते हैं -3, -4, यानी इंटीजर्स आपके पास सेम नंबर में है तो इधर जो नंबर आएगा वो भी, नंबर्स को आप ऐड करिए, 4+3, 7, ये जो माइनस साइन है वो एज इट इज माइनस आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इन दोनों से आपको क्या पता चलता है, इन दोनों से आपको ये पता चलता है कि अगर कहीं भी आप ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर सारे साइन सेम है, क्या बोला मैंने, अगर सारे साइन सेम है तो हम नंबर्स को
नंबर्स को हम ऐड करेंगे और उसके सामने साइन वो वाला पुट करेंगे जो इधर साइन है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए -3 -4 सेम साइन है दोनों, दोनों अगर सेम साइन है तो नंबर्स को ऐड करिए, 4 + 3 = 7 और इसके साथ साइन क्या है माइनस, तो यहां भी माइनस आ गया। इसको ऐसे याद रखिए आप, ऐसे ही आपने इस वाले में किया था, ये इससे पहले आपने सोचा नहीं होगा। इसमें भी देखिए दोनों साइन आपके पास प्लस है, इधर जो आंसर आया वो भी क्या है प्लस, यानी नंबर्स को आपने ऐड किया है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर एक आपके पास प्लस साइन हो एक आपके पास माइनस साइन हो, एक आपके पास प्लस है 7 है वो प्लस का है और जो 4 है वो माइनस का है, अगर इस टाइप से आपके पास नंबर मिलते हैं एक प्लस साइन हो एक माइनस साइन हो, अब बोलोगे ये तो बड़ा इजी है ये तो हम करते ही आए हैं, तो जो आंसर आया वो देखिए ये 3। इसमें आप क्या ध्यान देंगे, एक प्लस साइन है यहाँ पे एक माइनस साइन है, इधर जो आंसर आया वो भी क्या है प्लस। अगर आपके पास एक प्लस साइन हो एक माइनस साइन हो तो हम नंबर्स को माइनस करेंगे, नंबर्स को हम माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा आंसर के लेफ्ट साइड में आप वो वाला साइन पुट करोगे जो ग्रेटर नंबर के सामने है, जो ग्रेटर नंबर के सामने है। इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7 और 4 से 7, 7 के सामने साइन क्या है प्लस, तो ये भी आपके पास क्या आंसर आया प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं साइन को चेंज कर देती हूं -4 ये प्लस हो गया और जो 7 था वो माइनस हो गया, ठीक है, मैंने साइन को चेंज कर दिया है। अब देखिए एक प्लस साइन एक माइनस साइन, नंबर्स को क्या करोगे माइनस करोगे, 7 - 4 = 3। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है 7, मैं नंबर बोल रही हूं मैं इंटीजर नहीं बोल रही हूं अभी, कभी आप बोलोगे इंटीजर में तो जो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर माना जाता है, ये नंबर बोल रही हूं मैं 7, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा साइन है माइनस, यानी 7 क्या है माइनस का, तो लास्ट में जो आंसर आएगा ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन है वो आंसर में भी आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन करिए तभी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर आपने ये वाला पोर्शन अभी से स्किप कर दिया तो आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करिए बहुत सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे फॉर एडिशन। अब इसमें देखिए आपने ये सारी प्रॉपर्टी पहले भी 6th क्लास में पढ़ी हुई है, लेकिन फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे, लेकिन ये किसके लिए हमें करनी है, इंटीजर्स के लिए अब आपको ये करनी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में जो मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ वो याद रखिए, ये नहीं कि बुक में ये लिखा है वो लिखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम एडिशन के लिए कर रहे हैं ना, ये अगर हम टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं, टू इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा, इसमें आपको किस पे ध्यान देना है, आपको आंसर पे ध्यान देना है कि जो आंसर आएगा वो भी आपका क्या रहेगा इंटीजर, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आपके पास इनको सॉल्व करने के बाद इंटीजर आंसर आता है तो आप कहोगे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करती है, अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसमें आप सॉल्व करिए, एक माइनस साइन है एक प्लस साइन है तो आप नंबर्स को माइनस करेंगे, 7 - 4 = 3, ग्रेटर नंबर इज 7, 7 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा साइन है माइनस, तो यहां भी आंसर भी क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये आंसर क्या है इंटीजर, ठीक है। और एग्जांपल अपने आप लेके आप देख लीजिए। सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि अगर आप इंटीजर्स लेते हो, कोई भी टू इंटीजर्स आपने लिए उनको ऐड करते हो, ऐड करने के बाद अगर उनका ऑर्डर आप दूसरी साइड में चेंज कर देते हो,
तो वो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसको अगर आप उसमें देखोगे सिंबल की फॉर्म में, तो ये आपको इस टाइप से मिलेगा। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, इसमें ए पहले लिखा था, फिर बी लिखा था, इसमें हमने दूसरी साइड में क्या किया, राइट हैंड साइड में बी पहले नोट कर दिया और ए को बाद में किया है। तो ये ऑर्डर चेंज करना होता है। फिर देखिए इसके लिए एग्जांपल, जैसे हम यही वाला लेते हैं -7 + 4 = अब आपको ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज में 4 आप पहले नोट करेंगे, प्लस के लिए कर रहे हैं ना, तो ये प्लस माइनस ऑफ 7, और जो भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं उसको हम ब्रैकेट में नोट करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए, एक आपके पास माइनस साइन, एक प्लस साइन, 7 तो नंबर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 7 - 4 = 3। अब ग्रेटर नंबर देखिए कौन सा है, ग्रेटर नंबर बोला है मैंने, इंटीजर नहीं बोला है। ग्रेटर नंबर आपके पास 7 है, 7 के लेफ्ट साइड में कौन सा साइन है, माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, अब इसमें देखिए 4 एज इट इज। अब इधर देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन हो तो ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज यहां आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने अभी बताया था आपको, ये आपके पास क्या आ गया, -7। अब इसमें देखिए -3 = 4, ये प्लस का है, ये माइनस, प्लस माइनस, अगर आपके पास एक प्लस साइन हो एक माइनस साइन हो तो आप नंबर्स को माइनस करोगे, 7 - 4 = 3। अब ग्रेटर नंबर 7, इसके लेफ्ट में साइन माइनस, तो आंसर भी क्या आया, माइनस। तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए अप्लाई होती है, जैसे आपने कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स लिए थे, ऐसे ही जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो 3 इंटीजर्स के लिए अप्लाई करेंगे आप। इसमें आप क्या लेंगे, 3 नंबर्स या मोर देन 3 नंबर्स, और उनकी आपको ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग डिफरेंट वे में करोगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो इक्वल आना चाहिए। जैसे इसको हम सिंबल की फॉर्म में ऐसे नोट करते हैं, पहले मैंने फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड किया यानी ब्रैकेट में ले लिए, और फिर जो आंसर आएगा उसको सी में ऐड करेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में मैं क्या करती हूँ, जो लास्ट 2 नंबर्स है उनको मैंने ग्रुप में लिया, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए में ऐड करना है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है। अब इसमें मैंने लिया 3 + -4 + 7, ये आपके पास है, तो हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग में क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड लास्ट 2 नंबर्स, ठीक है। एक और भी ले सकते हो, इसमें एक और बचता है, वो आपके पास क्या होता है, ए प्लस सी, आपने उन दोनों को ऐड किया और फिर लास्ट में बी को, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर ले सकते हो, ये चीज है, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, उसके बाद जो आंसर आया उसको बी में ऐड किया। अब इसमें देखिए 3 + -4 + 7, फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, ये आपके पास क्या आएगा, 3 बाहर, 4 के बाहर जो ब्रैकेट है वो प्लस साइन है, ये वाला जो ये प्लस साइन है, तो ये वाला साइन एज इट इज रहेगा। कैसे, 3 ये वाला साइन, ये तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं होता, ये वाला साइन एज इट इज -4 ब्रैकेट +7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, नंबर्स को माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 3 = 1। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 4, लेफ्ट साइड में कौन सा साइन है, माइनस, तो ये -1 + 7। अब फिर से आपके पास वो ही आ गया, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, नंबर्स को माइनस करेंगे, 7 - 1 = 6।
अब ग्रेटर नंबर देखिए, 7, 7 के लेफ्ट साइड में कौन सा साइन है? प्लस, तो ये आपका आंसर क्या आया? प्लस। सेम नाउ वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, 3 प्लस 3 एज इट इज, फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, माइनस 4 एज इट इज, प्लस 7। अब देखिए एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, नंबर्स को हम माइनस करेंगे, 3 प्लस 4 माइनस है, 7 माइनस 4 3, ग्रेटर नंबर कौन सा है? 7, इसके लेफ्ट में साइन है प्लस, तो ये भी क्या होगा? प्लस। 3 प्लस 3 6, आपके पास दोनों साइड इक्वल आ गई, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड के लिए अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज दो के लिए आपने किया है, थर्ड भी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके क्या कहती है कि कोई भी अगर आप इंटीजर लेते हो, कोई भी आपने इंटीजर लिया और इसमें अगर आपने जीरो ऐड किया तो आपके पास जो नंबर आता है वो सेम आना चाहिए। ये मैंने जीरो आपको पहले ही आंसर बता दिया है। एडिटिव आइडेंटिटी आपकी बोलती है कि अगर माइनस थ्री है, कोई भी इंटीजर है, उसमें आप क्या ऐड करोगे जो आपके पास सेम वही नंबर है, तो वो क्या होता है? जीरो। तो एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें कुछ भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज कैसे याद रखेंगे, जैसे इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, माइनस थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू, आप इसका ऑर्डर चेंज करिए, जीरो प्लस माइनस थ्री, आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस थ्री। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू जीरो, ये आप एज इट इज इसको याद रखिए, ठीक है। फाइव आपके पास, फिफ्थ आपके पास प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, वैसे इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, लेकिन आप इतना याद रखेंगे वो भी ठीक है। अब इसमें देखिए एडिटिव इनवर्स में, एडिटिव इनवर्स आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी आपके पास इंटीजर है उसका इनवर्स करिए। इनवर्स यानी अगर आपके पास माइनस में है तो उसको प्लस करेंगे, अगर आपके पास प्लस है तो वो माइनस करेंगे, तो आपके पास इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। कैसे? जैसे मैंने लिया माइनस थ्री, इसका दूसरा इनवर्स में करना है आपको, तो यानी इसका अपोजिट साइन क्या होगा? प्लस थ्री। तो ये आपके पास एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, थ्री माइनस थ्री जीरो, आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई ना इधर, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स। अब इसको आप सिंपल वे में कैसे देखेंगे? सिंपल में इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो है और जो एडिटिव इनवर्स है वो चेंज इन साइन है, चेंज इन साइन, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करते हो, एडिटिव इनवर्स और इंटीजर को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये आपके पास सारी प्रॉपर्टी थी इसकी एडिशन के लिए। इसको बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू सो मच।